अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था, शुरू में हम लेक्चर स्टार्ट किए थे, हमने यहाँ तक सीखा था बैकग्राउंड में कलर करना और ये हेडर वगैरह लगाना, और फिर इसके बाद हमने फॉन्ट के टाइप को इस्तेमाल करना सीखा था। आज इससे ज़्यादा थोड़ा सा आगे जाके कंटिन्यू करते हैं कि और कौन सी चीज़ें हम पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं अपने पैराग्राफ को। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं अपने सब लाइन को। ठीक है स्टूडेंट, सब लाइन को ओपन करते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने काम करना है अपना सारा। सब लाइन को ओपन करके हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने काम किया था। अब एक और टैग होता है स्टूडेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? वो टैग क्या है, हम ऐसा करते हैं ये फॉन्ट के टैग के बाद हम इसको यूज करते हैं, ठीक है? बल्कि अबव पे शुरू सब से स्टार्ट पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वो टैग ये है जी, हमने अब पी के टैग को यूज करना है। पी का टैग वैसे बेसिकली यूज किया जाता है पैराग्राफ के लिए, ठीक है स्टूडेंट? इसके लिए मैं अपने वर्ड प्रेस को ओपन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? इसके अंदर से हम थोड़ा सा पैराग्राफ को कॉपी करके लेके आते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। वैसे तो हमें लिखते वक्त बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। अच्छा, इसके लिए हमने लिखना है पहले तो इज इक्वल टू लगा देना, फिर में आर ए एन टी रैन और ब्रैकेट स्टार, ब्रैकेट बंद मैं कहूँगा, 10 लाइनों का एक पैराग्राफ होते हैं, ठीक है? ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। इसको मैं सारे को कॉपी करता हूँ और पैराग्राफ के अंदर आके हम इसको करते हैं पेस्ट और कर लेते हैं सेव। अब इसको सेव करके वापस आके हम अपनी वेबसाइट के अंदर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से लेके तो यहाँ तक हमारा जो है वो पैराग्राफ हमें मिल चुका है, ठीक है? यहाँ पर तो अब है क्या इसका, हम इसको थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं वर्डप्रेस को, ठीक है? अब हमने इसको करना है क्या, ये देखें। सबसे पहले तो ये वाली चीज है क्या, ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये बेतरतीब में है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें ये किसी तरतीब में नहीं है। हम इसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, पैरा ये पी के टैग के अंदर जाएंगे और एलिजेंट दे देंगे। एलिजेंट फॉर एग्जाम्पल मैं इसे देता हूँ सेंटर, ठीक है? हम सेंटर में इसको एलिजेंट देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अब सेंटर से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसके ये जो साइडों पे है ये वाला पैराग्राफ की तरतीब बिल्कुल इसकी सेट नहीं हुई। हम अब सेंटर की बजाय इसको ले जाते हैं राइट में, ठीक है स्टूडेंट? जैसे इसको राइट में लेके जाते हैं फिर आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, अब ये राइट की साइड से तो इसका ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ अटैच हो चुका है, बिल्कुल सही क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से अब ये नजर नहीं सही आ रहा। तो इसके लिए जो टैग होता है वो यूज करते हैं हम जस्टिफाई का। मैं कहता हूँ कि जस्टिफाई का टैग यूज करते हैं, फिर यहाँ पे आके हम करते हैं रिफ्रेश। देखें स्टूडेंट, जस्टिफाई का टैग को यूज किया उसने खुद ही इसके लेफ्ट साइड को, इसके सेंटर साइड को और इसके राइट साइड को उसने खुद ही एडजस्ट कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट और खूबसूरत अंदाज में जो हमें नजर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट? इसके लिए हम अब यूज कर लेते हैं कलर को, देखते हैं कलर इसमें काम करता है कि नहीं करता। मैं कहता हूँ कि कलर हो जाए ब्लू। ये इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि इसके काम करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था हमें जरूरत पड़ती है फॉन्ट टाइप की, ठीक है? इसने इसके काम नहीं किया, ठीक है स्टूडेंट? इसके लिए अब हमें करना है क्या, यहाँ पे एक टैग यूज करते हैं, वो है फॉन्ट का टैग, ठीक है? फॉन्ट का टैग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहां भी आप खत्म करेंगे उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ तक मैंने यूज करना है, अब यहाँ तक मैं फॉन्ट का टैग बंद कर लेता हूँ। इसको हम सेव करते हैं, फॉन्ट का टैग के अंदर जाके इसको हम कलर करते हैं, ठीक है? इसको हम कर लेते हैं स्काई ब्लू कलर। अब स्काई ब्लू कलर करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये स्टूडेंट देखें इसका स्काई ब्लू कलर हो चुका है, ठीक है? अब इसके बैकग्राउंड का कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इसके दे देते हैं हम बीजी कलर लगाएंगे, लेकिन इसमें बीजी कलर इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी कलर इसके बैकग्राउंड में नहीं आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड आएगा इसकी बॉडी के अंदर ना कि इसके पैराग्राफ के अंदर, ठीक है? पैराग्राफ के नीचे हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं अगर हमें ऐड करना चाहे, तो वो चीज क्या है, वो ये है कि हम इसके नीचे इसकी इमेजेस को हम कर लेते हैं। इसके लिए इमेज का टैग लगाएंगे और कहेंगे कि इमेजेस में जाए
और स्लैश, अब हमने हमारे पास पिक्चर कौन सी पड़ी थी देख लेते हैं। ये मैं कहता हूँ सी डी ई टू वाली, ठीक है। मैं कहता हूँ इमेजेस में जाए, सी डी ई टू डॉट जे पी जी। देखें ये जे पी जी फॉर्मेट लगाना लाजमी है, तो इसलिए आपने जे पी जी इसके फॉर्मेट लाजमी लगाना है, फिर आके हम इसमें रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये वाली पिक्चर अब इसके नीचे बैकग्राउंड पे नहीं गई, जबकि पैराग्राफ के साथ इसकी अटैच हो चुकी है, इसके साथ स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर मैं पैराग्राफ को यहाँ से ये वाली पिक्चर को उठाऊंगा कट करके, ये पैराग्राफ के अंदर नहीं, पैराग्राफ के बाहर, अगर इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब करते हैं रिफ्रेश, सेव करते हैं, सॉरी सेव करके हम अब रिफ्रेश करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास पिक्चर बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है, ठीक है, और उसके नीचे से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसके साथ ए का टैग भी यूज कर लूँ कोई सा भी, इससे पहले मैं ए का टैग अगर लगा लेता हूँ तो उसमें भी कहता हूँ कि इमेजेस में जाए और जाके क्या करें, सी डी ई टू डॉट जे पी जी वाली पिक्चर को उठा के इसमें पुट कर दें। लेकिन ये वाला जो है यहाँ से हम कट करेंगे ए, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करेंगे और हम इसको कर लेंगे यहाँ पे सेव। जैसे हम सेव करते हैं ये देखें अब ये पिक्चर के ऊपर हमारे ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको करता हूँ क्लिक, तो ये पिक्चर जो हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। अब हमारी पिक्चर छोटी है इसलिए इसने इतनी ही रेजोल्यूशन इसके पास मौजूद है, इससे ज़्यादा नहीं है, और नहीं इससे ज़्यादा इसने लेंथी हो जाना था, ठीक है। इस तरह हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इस तरह हम इसमें पिक्चर पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, और अब और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम लैंग्वेजेस, इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी मसलन के मैं इसका कहता हूँ कि भाई इसका फेस फेस एरियल दे दे, ठीक है। एरियल कपड़े धोने वाला नहीं है जो पाकिस्तान में यूज हो रहा है, एरियल दूसरा है, ये लैंग्वेज की एक जुबान। अब मैंने आके इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लैंग्वेज को सेलेक्ट किया था एरियल का, और देखें इसमें और इसमें अच्छा खासा फर्क महसूस हो रहा है। हम ऐसा करते हैं इसके कलर को स्काई ब्लू की बजाय कुछ और कर लेते हैं, येलो कलर कर लेते हैं, ठीक है। येलो कलर कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर लगेगा इसके साथ, ठीक है। ये देखिए अब ये वाला येलो कलर है हमारे पास, ठीक है, और ये वाला हमारे पास क्या है जो जहाँ पे हमने कोई भी इसके फेस नहीं दिया, ये ओरिजिनल इसका फेस है। और हम एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ, इसके साइज को। अब हमने साइज को कंट्रोल करना सीखा था, अगर आपको याद हो, अगर मैं इसका साइज 1 दूंगा तो ये थोड़ा सा स्मॉल, काफी सारा स्मॉल हो जाएगा। देखिए अभी देखते हैं ना, ये देखें मैंने इसका 1 दे दिया और ये कितना शॉर्ट हो चुका है। हम 1 की बजाय इसको 7 तक ले जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसका 7 तक हमने, और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा होके हमें नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। इसलिए आपने अपने तरतीब के हिसाब से यहाँ पे इसको यूज करना है ताकि ना ज़्यादा फैल जाए ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ तक ये हमें बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। अब फिर इसके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग की जगह मैं कहता हूँ, बिल्डिंग की जगह हम कहते हैं कि गूगल। मसलन डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स व्यूअर, कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी हो, जैसे इंसर्ट के साथ टेबल्स हैं, हम कह सकते हैं कि भाई इंसर्ट के साथ हमें टेबल नहीं, यहाँ पे गूगल हो, ठीक है। अब गूगल की वेबसाइट यहाँ पे हमने ऐड करनी है। अब मैं आपको गूगल की वेबसाइट यहाँ पे साथ साथ ऐड करना सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखते हैं हमने गूगल जहाँ लिखा था, ये वाला हमारा गूगल आ गया। मैं कहता हूँ इसके ऊपर ऑप्शन बने। अब ऑप्शन बनने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टैग को यूज करते हैं और वो होता है ए का टैग, ठीक है स्टूडेंट। ए का टैग हमने यूज करना है और ये वाला टैग यहाँ से हमने करना है कट, और यहाँ पे आके हमने इसको क्या कर देना, पेस्ट यहाँ पे लगा देना। अब ये हमारे पास टैग आ चुका है कौन सा, ए का। अब ये देखें गूगल पे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश, देखें जैसे ही हमने रिफ्रेश किया आप गूगल के ऊपर ऑप्शंस बनना शुरू हो चुकी है कि यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे इस पे क्लिक करेगा कि ये कहीं मूव तो नहीं होगा, मूव क्यों नहीं होगा ये मैं आपको इस बताता हूँ।
इसलिए क्योंकि हमने हाइपर रेफर के अंदर कोई भी चीज ऐड नहीं की कि ये किसी तरफ भी मूव ना हो, जिस तरफ भी इसको हमें मूव करवाना हो वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दू अपना www. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई सा भी ये लिख दू कि google.com, तो ये गूगल में मूव हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, दोबारा इसमें फॉन्ट का टैग लगा के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ गूगल के लिए, इसके कलर को चेंज करने के लिए, ठीक है, इसका कलर हम कोई भी कर सकते हैं। मतलब मैं इसका कलर कर लेता हूँ ऑरेंज, ठीक है, हम इसको ऑरेंज कलर कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए सिर्फ इसका कलर गूगल का ऑरेंज चेंज हो गया, ऑरेंज और येलो में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम इसको ना ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन करके हम रिफ्रेश करते हैं। ये मुनफरिद तरह अलग से ही नजर आना शुरू हो गया हमारे पास गूगल का ऑप्शन। ये कलर हमने येलो किया, ये हमने ब्लैक है इसका कलर, ये हमारे पास पिक्चर बड़ी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर के अंदर कोई कंफ्यूजिंग हो या कोई चीज़ आप बाद में से पूछना चाहें तो मुझे कमेंट करके आप ये बात पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।